तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है TVS की iQube S इलेक्ट्रिक। और सबसे पहले इसकी मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये करीब आपको 1,60,000 की देखने को मिल जाती है ऑन रोड वाराणसी में, और 5,000 करीब इस पर आपको सब्सिडी देखने को मिल जाता है भाई। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो फ्रंट में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको वाइज़र देखने को मिल जाता है, थोड़ी सी स्कूटी या स्कूटर जो भी कह लीजिए, मैं तो स्कूटी कहता हूँ भाई, तो स्कूटी अभी थोड़ी सी गंदी है। यहाँ पे फ्रंट में आपको LED DLL देखने को मिल जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिक है तो हैलोजन का कहीं भी सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके की भाई फ्लिप की देखने को मिलता है, और यहाँ पे इस बटन से आप छोटी सी आपको LED देखने को मिलती है जो आई थिंक कोई काम की नहीं लग रही है भाई। और यहाँ से इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो भाई वेव की है ये, और इसको अगर मैं लगा के ऑन करता हूँ तो फ्रंट से इसका DRL ऑन हो जाता है। यहाँ पे फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है, LED इंडिकेटर्स, और यहाँ पे अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं देखूँ तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है भाई। और यहाँ पे देख सकते हैं आप TVS का आपको 3D लोगो देखने को मिल जाता है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और 90 बाई 90 का आपको टायर देखने को मिल जाएगा फ्रंट और रियर दोनों में। और 3 किलोवाट का इसमें आपको मोटर देखने को मिल जाता है। इंजन की जो स्पेक्स है वो राइट आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी। और भाई अगर मैं देखूं तो इसमें आपको BLDC हब माउंटेड मोटर देखने को मिल जाता है IP67 के रेटिंग के साथ, तो पानी वाने में जाएगी तो बारिश वारिश में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको एक अगर मैं कहूँ तो इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे चार्जिंग इसका स्लॉट देखने को मिल जाता है, और चार्जिंग टाइम जो है इसका अगर मैं कहूँ तो करीब 4.5-5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और इसमें आपको टोटल 2 मोड्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मीटर दिखाते हैं। तो मीटर इसका आप देख सकते हैं साइड स्टैंड हटाने को कह रहा है भाई, तो जैसे ही साइड स्टैंड हटाते हैं तो इसमें आपको आप देख सकते हैं 7 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे एक जो जॉयस्टिक की तरह दिया गया है, यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं। इसको अगर स्टार्ट करने के लिए मैं कहूँ तो आपको एक ब्रेक और ये मोड वाला अगर बटन प्रेस करते हैं थोड़ा देर तक तो ये फिर ऑन हो जाती है, मतलब चलने के लिए रेडी है। 2 मोड्स हैं, मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं चलते चलते भी, इको और पावर मोड। और स्विचेस की बात की जाए तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम स्विचेस की क्वालिटी डिसेंट है। और यहाँ से टर्न इंडिकेटर्स में भी आपको एक थोड़ा बीप की साउंड देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं LED है भाई। और फिर बंद कर देते हैं। हॉर्न भी डिसेंट है, बहुत कोई अच्छा खास नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ से मतलब ये भाई आपका हैजार्ड भी ऑन हो जाता है, और पहले इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ से हैजार्ड भी ऑन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये P से इंडिकेशन, मतलब ये पार्किंग मोड है। आप अगर ब्रेक प्रेस करके इसको दबाए रहते हैं तो ये आ जाता है पार्किंग मोड। अभी ये फॉरवर्ड पे लगी है तो ये फॉरवर्ड जाएगी, और अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये रिवर्स पे आ गई है तो भाई रिवर्स जाएगी। तो एक बार देखते हैं भाई, रिवर्स में चेक करते हैं कितना स्पीड जाएगी भाई, हालांकि रिस्की बहुत है। तो रिवर्स में मैक्सिमम 3 की स्पीड आई थिंक जा रही है भाई फॉरवर्ड बहुत चला लिया, अब रिवर्स चलाएंगे फिर से देखते हैं, तो 3 के स्पीड से ज़्यादा नहीं जा रही है। फॉरवर्ड आ जाते हैं, थोड़ा अपने जगह पे चलते हैं और फिर ये प्रेस करते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं फिर। और अब इसके मतलब मीटर की इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, इको और पावर मोड का इंडिकेशन, पावर मोड में कुछ इस तरीके का थीम आ जाएगा। खैर इको मोड पे चलते हैं। यहाँ पे भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है डेफिनेटली, कॉल मैसेज टर्न बाई टर्न नेविगेशन ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। बैटरी परसेंटेज बता रहा है 48%। इको मोड पे अगर 100% चार्ज करते हैं तो इसको 100 किलोमीटर पर आवर दिखाती है, पावर मोड पे 100% पे ये 75 किलोमीटर की जो है रेंज दिखाती है भाई। और यहाँ पे ओडो दिखाता है, यहाँ पे ट्रिप मीटर। अब चलते हैं मेन्यू में, मेन्यू में जाने के लिए ये जॉयस्टिक है, इसको आप अगर क्लिक करते हैं एक बार मतलब सेंटर में तो ये मेन्यू में आ जाते हैं। मेन्यू में फिर है भाई जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग में चलते हैं। अरे भाई ये इसका एक तो बटन ना,
जनरल सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपको डे डिस्प्ले सेटिंग और साउंड देखने को मिल जाता है। अभी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो ब्राइटनेस अभी मैंने फुल किया है, अगर मैं अडेप्टिव कर देता हूँ तो ये ऑटो पे हो जाता है। और डिस्प्ले मोड की अगर बात की जाए, अरे भाई अभी आपको दिखाने के लिए मैं मैनुअली कर देता हूँ, तो मैनुअल पे ये फुल ब्राइटनेस है। और डिस्प्ले मोड पे जाते हैं तो ये डे और नाइट में आता है, नाइट में कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हो जाता है, नाइट में काफ़ी डिम हो जाता है तो इसलिए डे पे कर देते हैं। और ये फुल अडाप्टिव, मतलब वो अपने से अडाप्ट कर लेगा, जब भी मतलब ऑटो होगा अंधेरे में जाएगी तो नाइट मोड हो जाएगा, ब्राइटनेस में मतलब अगर ऐसे धूप में आते हैं तो भाई डे मोड हो जाएगा। साउंड में अगर मैं देखूं तो यहाँ से आप साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं इंडिकेटर इंडिकेटर का, यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग, अगर यहाँ से आप अपना मतलब पेयर वेयर कर सकते हैं। माय व्हीकल में जाते हैं तो माय व्हीकल में सर्विस एरर डिजिटल डॉक्यूमेंट अपने, यहाँ पे आप जो भी लाइसेंस वाइसेंस है गाड़ी के पेपर्स यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेटेड से रिलेटेड जो भी आएगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी में कनेक्टिविटी और इनकॉग्निटो मोड देखने को मिल जाता है, और प्रोफाइल में मतलब अपना नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं भाई। तो ये है बस मीटर में, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिल जाता है, इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ भाई, मतलब एग्जैक्टली लीटर्स में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ अगर ऐसे देखते हैं तो चाबी लगा के ये बूट खुल जाता है, और मतलब एक ठीक ठाक आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है काफ़ी वाइड, तो अपना एक मतलब अच्छा खासा आप सामान रख सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भाई आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लेंस कार्ड का चश्मा भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कोठारी का भाई मतलब इनर सब आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं सब। अच्छा भाई जिसकी मतलब स्कूटी है ना अभी उससे भी मिलाते हैं, अगर ओनर रिव्यू भी बंद हो जा भाई, तो ये बंद हो गया। और सीट्स काफ़ी ज़्यादा वेल कुशन्ड है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रॉपर आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे क्विक पार्क असिस्ट लिखा हुआ है रियर में कुछ इस तरह, इसको चलाने के लिए प्रॉपर आपका लाइसेंस लगेगा। और रियर में भी वही 90x90 का टायर देखने को मिल जाता है भाई, इसमें आपको 770mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, और 157mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस, और 119 किलो का कवर्ट के साथ आती है, तो चलाने में जो बिल्कुल भी वो फील नहीं होता है। मेरी हाइट है 5 फीट, सामने से आ रहा ट्रैक्टर से डर ही लगता है भाई, इन लोग का ब्रेक लगता नहीं है। और एक्सीडेंट देखेंगे अगर टू व्हीलर का तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर से ही होता है, तो हमेशा ट्रैक्टर से काफ़ी दूर चलिए भाई, सेफ्टी आप लोग को बता दे रहा हूँ, रिस्क कभी भी मत लीजिए भाई। तो दोनों पैर हाइट है 5 फीट, दोनों पैर आराम से ज़मीन पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। चलिए ओनर से पूछते हैं भाई कितना देर लेता है चार्ज वार होने पे, कोई भोजपुरी गाना सुन रहा होगा क्या भाई ओनर, ये बताइए इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 4 घंटा पूरा फुल चार्ज, कम से कम 3.5 से 4 घंटा। और कुछ बताइए भैया इसमें कोई दिक्कत? देख रहे हैं गाइस, मतलब क्या बोला जाए, ऐसे ओनर का रिव्यू अगर मैं लेने लगूँ ना तो कंपनी बंद हो जाए। भाई गाड़ी सही है, मतलब लौंडों के लिए नहीं है भाई, सीधी सी बात है। हाँ आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या ऐसे टाइप के लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, उनके लिए आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वो 25-30 ऐसे उम्र में हैं या कहीं ऑफिस ज़्यादा दूर जाते हैं तो इस गाड़ी से आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको हर जगह चार्ज करने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। पेट्रोल पे बिल्कुल भाई, बिल्कुल पेट्रोल के ऊपर आप डिपेंडेंट रह सकते हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल मैकेनिक नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात अगर कहीं बिगड़ गई पूरी इलेक्ट्रॉनिक है तो। बस भैया देख लिया इसका प्रोज एंड कॉन्स सब बता दिया, अब फिलहाल तो बस इस रिव्यू करते हैं यहीं पे एंड। और कभी इस ओनर का आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो भाई अपना इसका प्रॉपर रिव्यू आपको ओनर रिव्यू भी बना देंगे, लगभग 1.5-2 महीना इसको हो गई है लिए हुए, तो मतलब मोस्टली ऑल सारी चीज़ इसकी जान ही रहा होगा। खैर अब वीडियो ज़्यादा हो रही है लंबी, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।